सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारी कैटेगरीज है, जैसे कि लेजेंडरी, मेगा या फिर शाइनी पोकेमॉन। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने हर एक कैटेगरी से बेस्ट पोकेमॉन देखा था, एंड वो वीडियो आपको पसंद भी आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ऐश के साथ भी किया जाए और हर एक कैटेगरी से ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन देखे जाए। तो हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट शाइनी पोकेमॉन से। ऐश के पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही शाइनी पोकेमॉन है, जो कि है नॉकटाउल। ऐश के पास और भी ऐसे पोकेमॉन है जो कि अलग कलर के दिखते हैं, जैसे कि गेंगार, बट वो ऑफिशियली शाइनी नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही पोकेमॉन है ऐश के पास, तो वही बेस्ट होगा। तो हाँ, ऐश का बेस्ट शाइनी पोकेमॉन है शाइनी नॉकटाउल। अगली कैटेगरी है सबसे बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन। ऐश ने अपने जर्नी में 15 स्टार्टर पोकेमॉन पकड़े हैं, जो कि है राउलेट, स्नाइवी, टोटोडाइल, स्कॉटल, बल्बसोर, क्विलाबा, पिगनाइट, बेलीफ, इंसिनरॉस, सैप्टाइल, चारिजार्ड, टॉर्टेरा, इन्फर्ने, ग्रिनिंजा और ओशोवॉट। अब सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर हम कोई एबिलिटी या फिर फेनोमेना को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से कैटेगरी बनाई है। तो यहां पर अगर बेस फॉर्म में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नो डाउट है ऐश का चारिजार्ड। चारिजार्ड एक फायर और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। ये चारमेंडर के स्टेज से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था, एंड ये चारिजार्ड बनने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बट ऐश की बात मानना बंद कर देता है, जिस वजह से ऐश इंडिगो लीग हार जाता है। बट आगे जाके वो ऐश की बात मानना स्टार्ट कर देता है, एंड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। और जिसने भी कैंटो या फिर जोटो रीजन देखा है, डेफिनेटली वो चारिजार्ड का फैन होगा। इसने गैरी की आधी टीम और आर्टिकुनो जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हराया है, और डेफिनेटली ऐश के चारिजार्ड के अलावा कोई और ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन बिना एबिलिटी या फिर फॉर्म के इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगली कैटेगरी है बेस्ट लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन। ऐश ने अभी तक ऑफिशियली एक ही मिथिकल पोकेमॉन पकड़ा है, जो कि है मेलमेटल। सोलगैलियो को उसने रिलीज कर दिया था, तो हाँ, ऐश का बेस्ट मिथिकल पोकेमॉन तो मेलमेटल ही होगा। इसने ज्यादा बैटल भी नहीं करी है, बट जितनी भी करी है उसमें इसने अपने आप को प्रूव किया है। नेक्स्ट कैटेगरी है रीजनल बर्ड। ऐश के पास अलोला और गलार को छोड़कर हर एक रीजन में एक रीजनल बर्ड है, जो कि है पिजियोट, नॉकटाउल, स्वेलो, स्टार रैप्टर, टेलोनफ्लेम और अनफेजेंट। ये सारे ही पोकेमॉन काफी स्ट्रांग है और ऐश के टीम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इन सब में सबसे पावरफुल स्वेलो होगा। स्वेलो ने इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट किया है। ऐश वर्सेस टाइसन बैटल में स्वेलो ने एक ही बैटल में हरियामा और डॉनफैन को हराया था, और साथ में सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन मेटाक्रॉस को काफी डैमेज भी दिया था, एंड एक और मैच में उसने सीजोर और वेनोमोथ दोनों को हराया था। तो हाँ, स्वेलो ज्यादातर एक बैटल में दो पोकेमॉन को तो हराता ही था, तो डेफिनेटली ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल बर्ड होगा। अगली कैटेगरी है ऐश का बेस्ट फॉसिल पोकेमॉन। गलार से पहले ऐश के पास कोई भी फॉसिल पोकेमॉन नहीं था, पर गलार रीजन में ऐश ने अपना इकलौता फॉसिल पोकेमॉन ड्रैगोविश को कैच कर लिया है। इसकी टाइपिंग ड्रैगन और वाटर टाइप है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। तो हाँ, ऐश का इकलौता और सबसे स्ट्रॉन्ग फॉसिल पोकेमॉन ड्रैगोविश है। नेक्स्ट कैटेगरी है ऐश का बेस्ट अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन। बिल्कुल फॉसिल और मिथिकल पोकेमॉन की तरह ऐश के पास सिर्फ एक ही अल्ट्रा बीस्ट है, जो कि है ड्रैगन और पॉइजन टाइप का अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन नागानाडेल। ऐश ने नागानाडेल को पॉइपोल के फॉर्म में कैच किया था, एंड आगे जाके वो इवॉल्व हो जाता है नागानाडेल में, और आगे जाके रिटर्न आ जाता है। इसने भी मेलमेटल की तरह काफी कम बैटल करी है। इसने जो इकलौती बैटल करी थी वो थी ऐश वर्सेस प्रोफेसर कुकुई की, जहां पर ये लुकारियो को हरा देता है बट टापू कोको से हार जाता है। तो हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है। अगली कैटेगरी है ऐश का बेस्ट जैगेंटामैक्स पोकेमॉन। जैगेंटामैक्स जेन 8 गलार का फेनोमेना है। वैसे तो ऐश के पास काफी सारे ऐसे पोकेमॉन है जो कि जैगेंटामैक्स हो सकते हैं, बट उसने एनीमे में दो ही पोकेमॉन को जैगेंटामैक्स किया है, जो कि है उसका पिकाचू और उसका गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है जो कि जैगेंटामैक्स होता है जैगेंटामैक्स गेंगार में, और वहीं पर पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है जो कि जैगेंटामैक्स होता है जैगेंटामैक्स पिकाचू में। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट अगर मुझे एक को चुनना होता तो मैं चुनता जैगेंटामैक्स गेंगार को, क्योंकि ऐश का पिकाचू अपने जी मूव के लिए जाना जाता है। उसने जैगेंटामैक्स होने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेस को हराया है। तो हाँ, अपने जैगेंटामैक्स फॉर्म में पिकाचू उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहीं पर गेंगार का मेन फॉर्म जैगेंटामैक्स फॉर्म ही है, और जैगेंटामैक्स होने के बाद उसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट किया है, जैसे कि ग्रिमस्नाल या फिर इंटेलियन। तो हाँ, नो डाउट ये ऐश का बेस्ट जैगेंटामैक्स पोकेमॉन होगा। अब बात कर लेते हैं ऐश के बेस्ट मेगा पोकेमॉन की। बिल्कुल जैगेंटामैक्स की तरह ऐश के पास ऐसे काफी सारे पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, और मेगा इवॉल्व होने के बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होंगे, बट ऐश ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व किया है, एंड वो है उसका गलार रीजन का इस पोकेमॉन लुकारियो। लुकारियो इवॉल्व होता है मेगा लुकारियो में, और बिना किसी डाउट के ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसने सिंथिया के गार्चोम तक को हराया है। इसने रेहान के जैगेंटामैक्स ड्यूरेलूडॉन और बी के जैगेंटामैक्स मचैम को भी डिफीट किया है। तो हाँ, ये ऐश का इकलौता और अभी के लिए सबसे बेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है।
नेक्स्ट है रीजनल फॉर्म। ज्यादातर कैटेगरी की तरह यहाँ पर भी एश के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमोन है जो कि है गैलारियन फारफेच। ये भी अब इवॉल्व हो चुका है सरफेच में एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। भले इसने ज्यादा पोकेमोन को नहीं हराया है पर ये हमेशा कुछ न कुछ डैमेज देके जाता है, जैसे कि सिंथिया के गार्चॉम को इसने काफी ज्यादा डैमेज दिया था एंड शायद इसी वजह से लुकारियो गार्चॉम को हरा पाया। तो हाँ ये काफी स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली एश का बेस्ट रीजनल फॉर्म पोकेमोन है। नेक्स्ट कैटेगरी है एश का बेस्ट पोकेमोन जो कि इवॉल्व नहीं हो सकता। ये उन पोकेमोन्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ सिंगल स्टेज के होते हैं, उनके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं होता। और एश के पास ऐसे 6 पोकेमोन है जो कि है टॉरस, हेराक्रॉस, टॉरकोल, हाउलूचा, ड्रैकोविश और लैप्रेस। सारे ही काफी स्ट्रॉन्ग है बट इनमें से अगर मुझे एक को चुनना होता तो वो होता हेराक्रॉस। हेराक्रॉस एक बग और फाइटिंग टाइप का काफी स्ट्रॉन्ग और अंडररेटेड पोकेमोन है। इसने गैरी के मैग्मार को डिसएडवांटेज होने के बाद भी हराया था और टोबियास के डार्करे को काफी डैमेज भी दिया था जहां पर सारे पोकेमोन काफी इजीली हार रहे थे। तो हाँ ये एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है एश का। नेक्स्ट आता है एश का सबसे फास्टेस्ट पोकेमोन। एश का सबसे फास्ट पोकेमोन होगा डेफिनेटली सैप्टाइल। ये मैं स्पीड स्टैट्स को देखकर नहीं बोल रहा बल्कि एनीमे में हमें दिखाया गया है कि सैप्टाइल कितना ज्यादा फास्ट है। उसने लिटरली पोकेमोन वर्ल्ड के सेकंड सबसे फास्टेस्ट पोकेमोन स्पीड फॉर्म डिओक्सियस को पकड़ लिया था जो कि ये क्लियरली कंफर्म कर देता है कि एश का सबसे फास्टेस्ट पोकेमोन सैप्टाइल है। तो अब जब हमने एश के सबसे फास्ट पोकेमोन की बात कर ली है तो अब बात कर लेते हैं एश के सबसे स्लो पोकेमोन की। उससे पहले एक बार आप लोग गेस करो कि एश का सबसे स्लो पोकेमोन कौन सा हो सकता है कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली आप में से 90% लोगों का आंसर एश का स्नोरलैक्स होगा। वो काफी भारी पोकेमोन है और हमेशा खाता रहता है और काफी सोता भी है बट नहीं ऐसा नहीं है। एश का स्नोरलैक्स उसका थर्ड स्लोवेस्ट पोकेमोन है और एश का सबसे स्लो पोकेमोन है टॉरकोल। इसकी स्पीड स्टैट सिर्फ और सिर्फ 20 है जो कि यार बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे नहीं लगा था कि टॉरकोल इतना ज्यादा स्लो होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है जी मूव। यहाँ पर हम बिना कोई डिस्कशन के डायरेक्टली एश के पिकाचू को विनर बना सकते हैं। एश के काफी सारे पोकेमोन ने जी मूव यूज किया है बट वे एश के पिकाचू के 10 मिलियन थंडरबोल्ट के आसपास भी नहीं आते। अब देख लेते हैं कि एश के सारे पोकेमोन में ओवरऑल सबसे बेस्ट फेनोमेना किसका है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो होगा ग्रीनिंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन। ग्रीनिंजा इस फॉर्म में जाने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग और काफी फास्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एश के किस पोकेमोन के पास बेस्ट एबिलिटी है। वैसे तो एश के काफी सारे पोकेमोन के पास काफी औसम एबिलिटीज है जैसे कि सैप्टल के पास ओवरग्रो है, पिकाचू के पास स्टैटिक है बट हम सबको पता है कि किस पोकेमोन की एबिलिटी बेस्ट है। हाँ वो होगा एश के इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी। इसमें जाने के बाद अभी तक इन्फर्नेप अनडिफीटेड है। मुझे नहीं लगता कि इसकी एबिलिटी के अलावा कोई और एबिलिटी पोकेमोन फैंस को याद भी रहती होगी। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।